ह्यूमन बायोटेक्नोलॉजी में यूज किए जाने वाले वेक्टर्स, ओके। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वेक्टर्स क्या चीज है, ठीक है। फिर हम जानेंगे कि एनिमल बायोटेक्नोलॉजी में क्या क्या वेक्टर्स यूज होते हैं, ओके। तो सबसे पहले अगर आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा कि हमारे पास क्या होता है, एक फॉरेन डीएनए होता है। इस फॉरेन डीएनए में हम सर्टेन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स मतलब वो एंजाइम्स जो इस फॉरेन डीएनए में सर्टेन कट्स जो है लगा देंगे, इसको काट देंगे सर्टेन स्पेसिफिक साइट्स पे, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू हमने इस फॉरेन डीएनए को स्मॉल सेगमेंट्स में तोड़ दिया। अब दूसरी तरफ हमने क्या किया, एक वेक्टर लिया, ठीक है ना। वेक्टर इज़ कोई भी आपका डीएनए सेगमेंट हो सकता है या फिर कंप्लीट जीनोम हो सकता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। जैसे यहाँ पे हम ले रहे हैं प्लाज्मिड डीएनए, ओके। तो प्लाज्मिड डीएनए जो है आपका डबल सर्कुलर डीएनए जो है, ये हम देखें तो इसमें भी हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स डालेंगे। दोनों फॉरेन जीन और हमारे प्लाज्मिड वेक्टर पे हम एक जैसे एंजाइम्स, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स अप्लाई करेंगे ताकि दोनों पे सिमिलर कट्स आ जाएं, ठीक है ना। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डालते ही इस प्लाज्मिड में भी स्पेसिफिक जगह पे कट हो जाएगा और ये प्लाज्मिड अब इस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू कटा हुआ जो फॉरेन डीएनए है इसको अपने अंदर लेने में सक्षम होगा, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, इस रिस्ट्रिक्टेड फॉरेन जीन को और इस रिस्ट्रिक्टेड प्लाज्मिड आपके वेक्टर को हमने आपस में मिक्स कर लिया और इसमें हमने लाइगेज एंजाइम डाला, तो लाइगेशन हुई, चिपक जाएंगे अब ये दोनों आपस में, तो ये हमारे पास मिल गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है ना। तो इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए में क्या है, हमारा वेक्टर जो है उसके पास एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ फॉरेन जीन, इसलिए हम इसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए कह रहे हैं। वहीं हमने क्या किया, अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम क्या करें, अगर किसी होस्ट, दिस वन इज़ अ होस्ट, हमने ई कोलाई सेल लिया और ई कोलाई सेल के पास अपना क्रोमोसोमल डीएनए है, इस क्रोमोसोमल डीएनए के अलावा हमने क्या किया, इस प्लाज्मिड को, ये जो आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्लाज्मिड है, इसको हमने किस में डाल दिया, ई कोलाई सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया, डाल दिया। तो अब जो हमें यहाँ पे सेल जो मिला है कॉम्बिनेंट सेल होगा, ओके। और ये जो आपका सेल है इसे हम होस्ट सेल भी कहते हैं, ओके, क्योंकि ये हमारे वेक्टर को, वेक्टर के लिए एक होस्ट की तरह काम कर रहा है, अपने अंदर लेके चलेगा। अब हम इस रिकॉम्बिनेंट सेल को आइदर डायरेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं किसी भी सेल में, या किसी भी बॉडी में, या फिर कल्चर कर सकते हैं, ठीक है। वन मोर थिंग, अगर हम इस प्लाज्मिड डीएनए को डायरेक्टली हम इस सेल के अंदर डालते हैं या फिर हम इस फॉरेन जीन को डायरेक्टली इस ई कोलाई के क्रोमोसोमल डीएनए में इंसर्ट कर देते हैं, इस फॉरेन जीन को डायरेक्टली बिना किसी वेक्टर की मदद से डायरेक्टली हम इस फॉरेन जीन को इस क्रोमोसोमल डीएनए में इंसर्ट कर देते हैं, तो ये डीएनए इंसर्ट्स की तरह काम करता है, ओके। तो ये हो गया आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। आपने पहले ही पढ़ा होगा लेकिन हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन में चल रहे हैं, अभी जानते हैं हम वेक्टर्स क्या होते हैं, ओके। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जाने, तो वेक्टर क्या है, एक देखो जैसे हमने देखा इससे पहले कि एक माध्यम है, एक वेहकल है जिसके थ्रू हम अपनी डिज़ायरेबल जीन को किसी भी सेल में इंसर्ट करवा पा रहे हैं या होस्ट में इंसर्ट करवा पा रहे हैं। तो वेक्टर क्या होगा, स्पेसिफिकली अगर हम देखें, एक डीएनए मॉलिक्यूल होगा, ठीक है ना, कोई ना कोई डीएनए मॉलिक्यूल होगा, और इसके पास एबिलिटी होगी रेप्लिकेट करने की, ठीक है ना, अपनी बहुत सारी कॉपीज बनाने की अपने आप ही, ठीक है, अपने आप ही अपनी कॉपीज ये बना सकता है। कहाँ बनाएगा अपनी कॉपीज, होस्ट सेल के अंदर, ठीक है ना। कैसे बनाएगा, या तो डीएनए इंसर्ट्स की फॉर्म में बनाएगा और या फिर अपने आप को इंटीग्रेट कर लेगा क्रोमोसोम, जो होस्ट का क्रोमोसोम है उसके साथ, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, इसके पास क्या होना चाहिए, वेक्टर के पास ओरिजिन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन होना चाहिए। ऐसा पूरे डीएनए, पूरा जो वेक्टर है उसमें कहीं ना कहीं पे ऐसा स्पेसिफिक पॉइंट होना चाहिए जहाँ से डीएनए रेप्लिकेशन का ओरिजिन हो, शुरुआत हो सके, इस पॉइंट को हम कहेंगे ओरी साइट, ठीक है ना, जो फंक्शन इसको हेल्प करेगी, इस वेक्टर को हेल्प करेगी ताकि वो होस्ट सेल में अपने आप से अपनी कॉपी बना सके, अपना रेप्लिकेट, अपने आप ही अपने आप को रेप्लिकेट कर सके ऑटोनोमसली,
ओके चलो नेक्स्ट है, एनी एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल स्मॉल जीनोम जो भी है हम क्या कहेंगे, वेक्टर कहेंगे, ठीक है ना। कोई भी, जैसे अभी हमने देखा एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल सर्कुलर डीएनए प्लाज्मिड के फॉर्म में हम वेक्टर ले रहे हैं, ठीक है ना। तो वैसे ही कोई भी एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल मतलब मेन स्ट्रीम क्रोमोजोम के अलावा कोई भी एक्स्ट्रा आपका स्मॉल जीनोम पार्टिकल होगा, स्मॉल डीएनए पार्टिकल होगा, उसे भी हम वेक्टर कहेंगे, ठीक है। जैसे कि प्लाज्मिड वेक्टर, फेज या वायरसेस वेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे आपके जो वेक्टर्स हैं वो स्पेसिफिकली काम करते हैं अगर हम एनिमल्स की बात करें तो उसमें वायरसेस के फॉर्म में, ओके। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर क्या होंगी, वेक्टर की प्रॉपर्टी समझे तो ये हमेशा एबल होने चाहिए रेप्लिकेट करने के लिए स्वतः ही, अपने आप ही ऑटोनोमसली, और इनका साइज होना चाहिए 10 KB किलोबेस से कम। अब देखो 10 KB मतलब एक, अगर हम बात करें यहाँ पे बेस साइज की, ठीक है ना, एक बेस पेयर, ठीक है। तो यहाँ पे 10 KB का मतलब है कि आपके लगभग 10,000 बेस पेयर होंगे, ठीक है ना। तो 10,000 न्यूक्लियोटाइड से ज़्यादा साइज नहीं होना चाहिए किसी भी वेक्टर का, ठीक है ना, क्योंकि डीएनए मॉलिक्यूल है। तो डीएनए मॉलिक्यूल का साइज कितना होना चाहिए, 10,000 से, 10,000 न्यूक्लियोटाइड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है ये इजी होता है, होना चाहिए आइसोलेट करने में और प्योरीफाई करने में, ठीक है, क्योंकि हमें वेक्टर डीएनए किसी न किसी सेल से चाहिए होगा, तो सेल से जब हम इसे निकालें तो ये इजी हो आइसोलेट करने में और इसका साफ सफाई करना यानी कि प्योरीफाई करना भी आसान हो, ठीक। क्यों प्योरीफाई करना है, क्योंकि सेल में आपके डीएनए के अलावा बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, हमें सिर्फ डीएनए चाहिए, तो इसलिए ये ईजी होना चाहिए आइसोलेट करने के लिए और प्योरीफाई करने के लिए भी। नेक्स्ट है ये ईजी होना चाहिए किसी भी होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करने के लिए, होस्ट सेल में डालने में, इसमें हमें ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा आप स्पेसिफिक तरीके से कोई नई जीन इंट्रोड्यूस करने के लिए स्पेसिफिक स्टाइल को परफॉर्म कर रहे हो, नहीं, ईजी इंट्रोडक्शन होना चाहिए होस्ट सेल में आपके वेक्टर का, ठीक है। और क्या होना चाहिए, इस वेक्टर के पास हमेशा मार्कर जीन्स भी होनी चाहिए, सूटेबल मार्कर जीन्स। मार्कर जीन्स वो होती हैं जो बताती हैं कि आपका सेल है वो ट्रांसफॉर्म हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना। जैसे हम एंटीबायोटिक मार्कर जीन्स या सेलेक्टेबल मार्कर्स यूज़ करते हैं, ठीक, तो ये सूटेबल मार्कर जीन्स होनी चाहिए इनके पास। नेक्स्ट, ये एबल होने चाहिए इंटीग्रेट करने में, ठीक है ना, इनको हम इंटीग्रेट यानी कि जुड़ सकें, और जो आपका मेन स्ट्रीम डीएनए हो या फिर जो आपका फॉरेन जीन है उसके साथ इंटीग्रेट करने में ये इजी होने चाहिए, आसानी से इंटीग्रेट हो जाए उनके साथ, अच्छे ढंग से चिपक जाए ये समझ लीजिए, ठीक है। और ये अपने आप इंटीग्रेट हो जाने चाहिए या फिर डीएनए इंसर्ट की फॉर्म में जो मेन स्ट्रीम जीनोम में के साथ भी इसे इंटीग्रेट करा सकते हैं, ठीक है ना, या होस्ट सेल के माध्यम से भी इसे इंटीग्रेट करा सकते हैं। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर क्या है, और यहाँ पे हम बात करें कि जो भी आपका ट्रांसफॉर्म्ड सेल है या फिर जो भी आपका नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल है जिसको हमने वेक्टर के थ्रू ट्रांसफॉर्म किया है, ठीक है ना, तो ऐसा ट्रांसफॉर्म सेल जो वेक्टर मॉलिक्यूल के थ्रू ट्रांसफॉर्म हुआ है जिसमें कि आपने स्पेसिफिक डीएनए इंसर्ट डाला है, वो इजी होना चाहिए आइडेंटिफाई करने में और सेलेक्ट करने में, ठीक है ना। तो हम एक वेक्टर हमेशा ऐसा होना चाहिए जिससे हम ट्रांसफॉर्म्ड और नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स को इजीली आइडेंटिफाई कर सकें और उन्हें सेलेक्ट भी कर सकें। नेक्स्ट है कुछ और प्रॉपर्टीज़, यहाँ पे वेक्टर के पास हमेशा यूनिक टारगेट साइट्स होनी चाहिए, और जितनी ज़्यादा आप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के लिए टारगेट साइट्स होंगी किसी वेक्टर के पास उतना अच्छा होगा वो वेक्टर, ठीक है ना। और इसमें आप क्यों होनी चाहिए स्पेसिफिक टारगेट साइट्स, ताकि हम डीएनए को इंसर्ट करा सकें उस पर्टिकुलर जगह पे और डीएनए वहाँ से इंटीग्रेट हो जाए आपके वेक्टर के साथ, ठीक है ना। तो जो भी डिज़ायरेबल डीएनए है वो ईजिली वेक्टर के साथ इंटीग्रेट हो जाए, ठीक, और अपना जो मेन स्ट्रीम एसेंशियल फंक्शन है चाहे डीएनए इंसर्ट का हो या फिर वेक्टर का, वो नहीं खोना चाहिए, ये प्रॉपरली ध्यान में रखना चाहिए।
और क्या प्रॉपर्टीज हो, तो वेक्टर में जब भी हम डीएनए इंसर्ट डालते हैं तो ये आपकी चॉइस जो है, या फिर ये किस तरीके से डीएनए इंसर्ट को एक्सप्रेस करना है, डीएनए इंसर्ट के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने के लिए वेक्टर के पास हमेशा सूटेबल कंट्रोल एलिमेंट्स होने चाहिए, ठीक है ना। ये कंट्रोल एलिमेंट्स किस फॉर्म में होंगे, आइदर प्रोमोटर होंगे या ऑपरेटर होंगे या फिर राइबोसोम बाइंडिंग साइट्स के फॉर्म में होंगे, ओके। तो प्रोमोटर वो साइट होगी आपके वेक्टर में जो जहाँ पे कि आपका आरएनए पॉलीमरेज चिपकेगा और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगी, और ऑपरेटर वो साइट होगी आपके वेक्टर में जहाँ पे आपके जैसे ही प्रोमोटर आपके स्टार्ट या फिर प्रोमोटर से आरएनए पॉलीमरेज चिपकेगा, वैसे ही प्रोमोटर से रिप्रेसर जो है वो रिलीज हो जाएगा और जो जीन है वो अपना काम स्टार्ट कर देगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से राइबोसोम बाइंडिंग साइट वो साइट्स होती है जहाँ पे राइबोसोम्स बाइंड होते हैं, ठीक है। इन इन सारे कंपोनेंट्स को हम बाद में भी अच्छे से समझेंगे, ओके। नेक्स्ट है कुछ की पॉइंट्स वेक्टर से रिलेटेड, ठीक है ना। तो देखो अभी क्या है, बेसिकली जो भी हमारी वेक्टर की चॉइस है वो डिपेंड करती है किस तरीके का होस्ट स्पीसीज है, ठीक है ना, किस तरीके के होस्ट स्पीसीज में हमें अपने वेक्टर को इंसर्ट करना है। तो जैसे एनिमल होस्ट है तो वेक्टर्स आपके ऑब्वियसली डिफरेंट होंगे, ओके ना। तो अभी हम एनिमल बायोटेक्नोलॉजी में सिर्फ एनिमल होस्ट पे ही आप फोकस करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखें तो बहुत सारे वेक्टर्स जो हैं वो नेचर में प्रेजेंट होते हैं और इनमें अपने जो भी रिक्वायर्ड फंक्शंस हैं वो अवेलेबल होते हैं मिनिमम टास्क के लिए, लेकिन जो हमें चाहिए, ठीक है ना, जो भी फंक्शंस हम अपने वेक्टर से करवाना चाहते हैं वो अवेलेबल नहीं होते। अब हम क्या करेंगे, अगर इन वेक्टर्स के पास वो सारे फंक्शंस नहीं है जो हमें चाहिए, जैसे मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इन वेक्टर्स को लेबोरेटरी में डिज़ाइन करेंगे, ठीक है ना, कल्चर करेंगे इन वेक्टर्स को, डिज़ाइन करेंगे ताकि हमें अपना चॉइस ऑफ वेक्टर मिल सके, ठीक है। तो एनिमल बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, एनिमल वेक्टर्स को भी डिज़ाइन करते हैं, ओके। नेक्स्ट है क्लोनिंग वेक्टर क्या चीज़ है, तो ये अभी आपका ब्रीफ नोटिंग है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे डिटेलिंग में पढ़ेंगे, ओके। वेक्टर्स हमेशा आपके जब भी प्रोपोगेट होते हैं, ठीक है ना, हम इसको क्या करें, वेक्टर्स को प्रोपोगेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, किसके प्रोपोगेशन के लिए, डीएनए इंसर्ट्स के प्रोपोगेशन के लिए, डीएनए इंसर्ट को हम बार बार बना सकें जब, तो इसके लिए जब भी हम वेक्टर को यूज़ करते हैं ताकि हम अपने डीएनए इंसर्ट को बार बार बना सकें अपने होस्ट सेल के द्वारा, उन सारे वेक्टर्स को हम क्लोनिंग वेक्टर्स कहेंगे, ओके। तो दिस वन आप, ये आपका वेक्टर है, देखो इसमें क्या है, ओपन रीडिंग फ्रेम्स आर देयर, ORF इंसर्ट मतलब ओपन रीडिंग फ्रेम। ओपन रीडिंग फ्रेम वो सीक्वेंस होगा जीन का जो कोड करेगा प्रोटीन, ठीक है ना, सिर्फ यही सीक्वेंस है जो कोड करेगा प्रोटीन, बाकी क्या है इसमें क्लोनिंग वेक्टर में, दिस वन इज अ रेस्ट्रिक्शन साइट। रेस्ट्रिक्शन साइट क्या होगी, जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को यहाँ पे कट करने में हेल्प करेगी, ओके। यहाँ पे क्या है, सिलेक्शन मार्कर, सिलेक्शन मार्कर क्या है, जो ये बताएंगे कि आपका जो सेल है, जो होस्ट है, वो अभी ट्रांसफॉर्म हो चुका है थ्रू दिस क्लोनिंग वेक्टर, ठीक है, तो सेलेक्टर्स तब काम करेंगे। नेक्स्ट अब प्रोमोटर्स क्या चीज़ है, प्रोमोटर वो होंगे जो प्रोमोट करेंगे इस जीन के प्रिपरेशन को, ठीक है ना। तो प्रोमोटर क्या करेंगे, यहाँ पे ही आपका आरएनए पॉलीमरेज बाइंड अप होगा और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगी इस मेन स्ट्रीम फ्रेम ऑफ जीन का, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सप्रेशन वेक्टर्स क्या है, देखो क्लोनिंग वेक्टर्स से समझ में आ रहा था कि हम अपने होस्ट सेल के बहुत सारी कॉपीज बनाएंगे, उससे फ़ायदा क्या होगा कि हमारे डीएनए इंसर्ट की बहुत सारी कॉपीज मिल जाएंगी, क्लोन्स मिल जाएंगे। एक्सप्रेशन वेक्टर में क्या करेंगे, एक्सप्रेशन वेक्टर कुछ ऐसे डिज़ाइन होंगे कि हमारा जो भी डीएनए इंसर्ट है उसका एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट हमें मिलता रहे, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन करेंगे बाय अ स्पेसिफाइड डीएनए इंसर्ट, ठीक है ना, उसे हम कहेंगे एक्सप्रेशन वेक्टर। तो हमें क्या करना है, एक्सप्रेशन वेक्टर्स के थ्रू कुछ ऐसे वेक्टर्स इंसर्ट करने हैं जिनमें हमारे डीएनए इंसर्ट भी होंगे, और ये डीएनए इंसर्ट से हम क्या करेंगे, स्पेसिफिक प्रोटीन को प्रोड्यूस करवा सकते हैं,
तो इनमें सिर्फ एक ही प्रोटीन मोस्टली हम एक ही प्रोटीन से रिलेटेड डीएनए इंसर्ट्स हम डालते हैं अपने होस्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन वेक्टर्स क्या है, जिसके थ्रू हम एक स्पेसिफिक प्रोटीन को बना सके अपने डीएनए इंसर्ट के थ्रू, ठीक है। तो अभी हम देखें यहाँ पे, ये एक और आपका वेक्टर है, तो PBR322। आप लोगों ने ये नॉमेनक्लेचर वगैरह पढ़ा ही होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो मुझे बताएंगे, मैं आपको दूसरा लेक्चर इसमें दूंगी अबाउट द नॉमेनक्लेचर एंड PBR322। हम ये बेसिक समझ लेते हैं इसमें, दिस इज वेक्टर, प्लाज्मिड वेक्टर है, और ये जो आपके दिख रही है ब्लू कलर से, ईकोर आई हिंद, ईकोर आरवी, बाम H1, साल, ये सारी आपकी रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं, ठीक है ना। तो ये सिर्फ इन्हीं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के थ्रू यहाँ पे कट लगेगा, ठीक है, यहीं पे कट लगेगा, ओके। और ये यहाँ पे दे रखा है कि कितने बेसिस पे ये स्पेसिफिकली प्रेजेंट है, ओके। अभी हम देखें ये TET जो ब्लैक कलर की लाइनिंग है, ये क्या है, ये है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट साइट। तो यहाँ पे अगर हम टेट्रासाइक्लिन के साथ अपने होस्ट सेल को कल्चर करते हैं, और ये हमारे रेस्ट्रिक्शन साइट्स जो हैं ये क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, ठीक है ना। और अगर हम एम्पिसिलिन के साथ करते हैं तो ये रेस्ट्रिक्शन साइट्स जो हैं बंद होनी चाहिए। तो ये डिटेलिंग हम बाद में समझेंगे, फिलहाल समझ लेते हैं। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट साइट है इस वेक्टर में, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट साइट है इस वेक्टर में, जो कि आपके सेलेक्टेबल मार्कर्स की तरह बिहेव करेंगे। ये हो गई आपकी रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस साइट्स, ये ब्लू कलर में जितनी भी हैं, ब्लैक कलर में है आपकी सेलेक्टेबल मार्कर साइट्स, और दिस वन इज द ओरी साइट, यानी कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, ओके। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स जो हम यूज करते हैं जीन के ट्रांसफर के लिए एनिमल्स में, ओके, जो हम पढ़ेंगे अपने इस टॉपिक में, तो वो है जैसे SV40 वेक्टर, BPV वेक्टर्स, रेट्रोवायरस वेक्टर्स, पॉलियोमा वायरस वेक्टर्स, वैक्सीनिया वायरस वेक्टर, बैक्यूलो वायरस वेक्टर्स और पी एलिमेंट वेक्टर्स, ठीक है ना। तो ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स हमने स्टडी करने हैं रिलेटेड टू एनिमल जीन ट्रांसफर, ओके। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी से स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक।